आज हमारा विषय है नौजवानों को आत्महत्या से कैसे रोका जाए। सबसे पहले आत्महत्या के कारण पर विचार करते हैं। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे प्रेम विभाव, कर्जा किसी से ले लेना, घर के अंदर कई मुसीबतों का बढ़ जाना, ऐसे अन्य और भी कई कारण हो सकते हैं। नौजवानों को आत्महत्या से रोकने के लिए सबसे पहले उनके अंदर निराशा को दूर करना बहुत जरूरी है। निराशा को दूर करने के लिए उन्हें उत्साह पूर्वक हर बात समझाई जाए। यदि नौजवानों में उत्साह होगा तो उनका हर कार्य मुसीबत होते हुए भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे कई नौजवान पढ़ाई में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह सारा साल मेहनत नहीं करते, सारा दिन घूमने में या किसी नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनकी जो पढ़ाई है वो बीच में ही ख़त्म हो जाती है, वो अपना समय पढ़ाई की तरफ नहीं दे पाते। इस कारण जब वह फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे और माता पिता की डांट का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से वो आत्महत्या करने की सोचते हैं। ऐसे ही कर्जा ले लेना, इतना भयंकर कर्जा हो जाता है कि उसे उतारना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी जो सोचता है उसके विपरीत होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन कोई भी नौकरी ना होने के कारण पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तभी इकट्ठा होगा जब हम कुछ कार्य करेंगे। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ कार्य भी अवश्य करना चाहिए। जैसे छोटा मोटा अपना घर का काम कर लेना, एक छोटी सी चींटी दीवार के ऊपर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती क्योंकि उसके अंदर उत्साह है। वो बार बार चढ़ती है फिर असफल होती है। इसी प्रकार मकड़ी जो जाला बुनती है वो कभी अपने जाले के अंदर नहीं फंसती। इस वजह से हमें भी ये जो मुसीबतें हैं हमारे द्वारा ही पैदा की गई हैं और हमें ही इनका समाधान करना होगा। तीसरा एक चींटी है जो अपने बच्चे को कड़कती धूप के अंदर भी चोगा खिलाती है, उनका पेट भरती है, वो कभी धूप से नहीं घबराती, कभी आंधी तूफान वर्षा से नहीं घबराती, किंतु वो अपना कार्य समर्थापूर्वक करती रहती है। हम क्या चींटी से भी मकड़ी से भी गए गुजरे हैं? क्या चिड़िया से भी हम कमज़ोर हैं? हम इंसान होते हुए भी कमजोरी अनुभव करें ये हमें हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए वो कार्य जल्दी से जल्दी आरंभ कर देना चाहिए ताकि इस हमें सब मुसीबतें हमारे से दूर हो जाएं। ओम।